नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। महाराष्ट्र में मुस्लिम तीन तलाक बिल के विरोध में अकोला में हजारों औरतों व मर्दों का जन सैलाब जिलाधिकारी कार्यालय मोर्चे की शक्ल में पहुंचा, जिसमें उन्होंने तीन तलाक बिल का विरोध दर्ज करके हुकूमत से मांग की है कि अगर मुस्लिम औरतों की सरकार को इतनी ही फिक्र है तो वह मुसलमानों को आरक्षण दे, मुसलमानों को सरकारी दफ्तरों में नौकरी दे, लेकिन मुसलमानों के शरीयत में दखल अंदाजी ना करे। इस तरह की मांग अकोला के मुसलमानों ने सरकार से की है। इस मोर्चे को जन सत्याग्रह संगठन का समर्थन रहा है। तीन तलाक हमें मंजूर है, जो महिलाएं ये मंजूर नहीं करती हम उनका विरोध करते हैं और हम कलेक्टर ऑफिस में इसीलिए SP साहब के पास जमा हुए हैं कि हमारा ये जो हमने पेश किया है, जो हमने अंदर मेमोरेंडम दिया है, तो उसे कबूल किया जाए और उसे सरकार के हवाले किया जाए और हमें ये कानून, शरीयत का कानून आंख बंद करके मंजूर है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं। सुन्नी यूथ विंग की जानिब से आज जितनी भी महिलाएं यहाँ जमा हुई है उनका मकसद सिर्फ यही है कि आज हम समाज को, सरकार को, तमाम दुनिया के लोगों को ये बता दें कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द और औरतों के लिए जो सब अहकाम लागू किए वो सब हमको तस्लीम है। और मेरी गुजारिश है सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर वो मुझसे मुस्लिम महिलाओं का इतनी मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना दर्द महसूस कर रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दीजिए।